अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर डेम एम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन जॉइन इन। वहाँ पर टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल्स और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म दिस इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द केसी नेट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, कल मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे पास लास्ट डे जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू क्लोज अबव द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट आज लगाया हुआ पूरा फ्रॉम मार्च 2020 लोस ऑल द वे टू द हाईज ऑफ जून 14 ऑफ 2021। तो इसमें जो हमारे पास लो टू हाई में एक कंप्लीट रिट्रेसमेंट ऑफ दिस मूव, उसमें मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू स्टे बुलिश अंटिल द 0.618 लेवल। जिस तरह के मैं हमेशा से बताता हूँ कि फिबोनाची में चाहे आप ऊपर से नीचे लगाएं या नीचे से ऊपर लगाएं, यू हैव टू अकॉर्डिंगली। अगर मूव नीचे आ रहा है तो आपके पास 0.618 होल्ड करना चाहिए, और अगर उसी तरह ऊपर जाता है तो 0.618 ब्रेक करना चाहिए, एंड देन वी कैन बिकम बुलिश ऑन द प्रीवियस मूव। सो एनीवेज 0.382 के नीचे एक फिलहाल सो कॉल्ड एक बेयर ट्रैप सिचुएशन कंप्लीट हुई है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास वापस ऊपर वीकली क्लोज हो जाती है तो दिस इज गोइंग टू गेट कॉल्ड एज ए बेयर ट्रैप। लेकिन उसके लिए हमारे पास जो मेन सबसे बड़ा क्राइटेरिया दैट इज द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्यों उसके लिए हमारे पास जो सेम लेवल्स हैं वो वही लेवल्स हैं, और प्लस यहाँ पे ऑसिलेटर का भी क्रॉस हुआ नहीं है। इट इज़ सपोज टू हैपन प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक, अगर हम एक अच्छा क्लोज दे देते हैं ऑन दी वीकली टाइम फ्रेम देन इट इज़ गोइंग टू क्रॉस अबव अगेन। उसमें हमारे पास जो डाइवर्जेंस थी दैट इज़ प्रोबेबली गोइंग टू हेल्प अस। जो हिस्टोग्राम पे मैंने आपको काफ़ी अर्से से बताता आ रहा हूँ कि वी हैव 1, 2 and 3 स्टेप मल्टीपल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, इसी तरह हमारे पास स्लाइटली बहुत छोटे से मार्जिन से लेकिन डाइवर्जेंस ज़रूर है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटवीन द लोज ऑफ 30th मे एंड द लोज ऑफ 18th ऑफ जुलाई। ये जो लो बना है इसके साथ हमारे पास एक छोटी सी डाइवर्जेंस मौजूद है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। उसमें वो डाइवर्जेंस जो है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, और वो फर्दर कितना हमें ऊपर की तरफ पुश देती है ऑफकोर्स टाइम विल टेल। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड दी एविडेंसिस फॉर दैट। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 42,384 or 85 फ्रॉम देयर अराउंड दोज लेवल्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो प्रीवियस हाई जो है हमारा स्पाइक लो स्पाइक हाई लास्ट वाला जो था वो उसके साथ कॉन्फ्लुएंट है अलॉन्ग विद द 0.382 एट द वेरी सेम लेवल अलॉन्ग विद द 100 सिंपल मूविंग एवरेज एंड द 100 EMA। दोनों मूविंग एवरेजेस भी वहीं पर अलाइंड है अलॉन्ग विद द प्रीवियस जो हमारे पास रेजिस्टेंस है अलॉन्ग विद द 0.382। तो तीन कॉन्फ्लुएंसेज यहाँ पर मौजूद हैं इकट्ठे हमारे पास। वॉल्यूम यू कैन सी कि आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था प्रोवाइडेड दैट इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द वीक, और जो एंटिसिपेशन मार्केट की तरफ से मिली है इट इज़ ओवरवेलमिंग फॉर नाउ। ऑफ कोर्स थिंग्स कैन टर्न एनी वे, लेकिन हमारे पास जो मुझे जो चीज़ इस टाइम मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जो वरी कर रही है दैट इज़ कि हमारे पास जो RSI है उसके ऊपर प्रीवियस पॉइंट पे हमारे पास 14th ऑफ जुलाई को जो हाई बना हुआ RSI पे इस वक्त करंट RSI उससे काफ़ी ऊपर जा चुकी है, जबकि प्राइस एक्शन अभी भी नीचे मौजूद है। यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास ये प्राइस एक्शन अभी नीचे मौजूद है और ये हमारा लास्ट है। सो विदाउट मेकिंग डाइवर्जेंस इफ़ वी गो एंड क्लियर दिस सिचुएशन अप, विच मीन्स कि हमारे पास विदाउट एनी डाइवर्जेंस हम इस एरिया को टेकआउट कर लें या 100 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर लें तो एक तो मूविंग एवरेज भी सपोर्ट में आ जाएगी, 21 एक्सपोनेंशियल भी फौरी तौर पर अपना जो पॉस्चर है इंक्लाइन पॉस्चर वो गेन कर लेगी, और इस तरह हमारे पास जो है मार्केट यहाँ पे एक स्टेबलाइज हो सकती है साइडवेज मैनर में चंद दिन के लिए, एंड देन वी कैन फर्दर पुश टू दी अपसाइड। तो उसमें हमारे पास लोकल हाई जो है उसको बनने से पहले वी नीड टू टेक दिस एरिया आउट, और अगर लोकल हाई बन जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक बिफोर वी क्लियर दिस सिचुएशन, और उसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद जो है मार्केट वो इस चीज़ को टेक आउट ना करे, मे बी वी गेट रिजेक्टेड फ्रॉम ओवर हेयर शायद मंडे या ट्यूसडे को, एंड देन फाइनली वी गो अ लिटल डाउन, और उसके बाद 0.236 होल्ड कर रहे या एक जो स्ट्रक्चर है मार्केट का यहाँ पर मौजूद समवेयर लाइक दिस, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास बाउंसेज हैं इस एरिया से, और इसको हमने फाइनली जब ब्रेक किया तो उसको हमने अभी तक दोबारा रीटेस्ट नहीं किया, सो मे बी दैट पुल बैक टेक्स अस ऑल द वे डाउन ओवर हेयर समवेयर ऑन दी लेवल ऑफ 41,000 वैसे भी एक जो है किसी भी किस्म का राउंड फिगर जो होता है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी होती है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पुल बैक डाउन टू दीज लेवल्स अगर हम इसको विदाउट डाइवर्जेंस क्रिएट किए या लोकल हाई जो है बनाए बगैर हम इसको अगर जब तक टेकआउट नहीं करते। सो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके लिए आवरली टाइम फ्रेम जो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्लुएंसेस वही मौजूद हैं 42,486। मैंने आपको बताया था कि जब 0.618 के ऊपर अगर हम सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं इन केस तो हमारे पास जो फौरी अगला मूव होगा दैट इज़ गोइंग टू बी टूवर्ड्स द प्रीवियस स्पाइक हाई जो कि कॉन्फ्लुएंट है वही लोकल हाई ओवर हेयर, और वीकली में हमारे पास वही लेवल जो मौजूद है 21 एक्सपोनेंशियल के साथ। सो
अभी उसके पास हम पहुंचने वाले हैं, बहुत करीब है। इसी तरह यहाँ पे भी डेली में भी वहाँ पे बहुत करीब पहुंचने वाले हैं, और वीकली में भी 21 एक्सपोनेंशियल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। सो 21 एक्सपोनेंशियल के अंदर एक जो जो मूव है हमारा 42,490 अप्रॉक्सीमेटली लेवल, या जो इस पे मौजूद है 4,970 सॉरी आवर्ली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 42,490 ये जो एक मूव है, आई डोंट थिंक सो कि ये फर्स्ट गो में टेकआउट हो सकेगा। देर माइट बी मूव इन टू इट, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास मूविंग एवरेजेस से प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया। और इसी तरह जब नीचे जाता था तो मैं आपको बताता था कि स्नैपबैक मूव जो हैं वो वापस इनटू 21 एक्सपोनेंशियल या मूविंग एवरेजेस के अंदर आते जाते हैं। यू कैन सी इट ओवर हियर कि मार्केट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरती या ऊपर नहीं जाती, हमेशा एक स्नैपबैक मूव्स या एक आप कह लीजिए कि लोअर हायर लोअर लोज इस तरह बनाती हुई नीचे जाती है, और इसी तरह हायर हायर और हायर लोज बनाती ऊपर जाती है। सो यहाँ पे अब हमारा लास्ट लो जो है हायर लो है मौजूद ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, और उसके ऊपर हमारे पास जो इस प्राइस एक्शन है वो आप देख सकते हैं कि सारी मूविंग एवरेजेस से काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है। सो आई थिंक अगर हमारे पहला मूव इस तरफ मिल जाता है 42,480 समवेयर अलॉन्ग दीज लेवल्स, तो उसके बाद हमारे पास एक पुल बैक क्रिएट होगा, जो कि सेम मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया ऑन द डेली टाइम फ्रेम कि आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू गेट टेकन आउट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पे जैसे ही लोकल हाई फॉर्म होगा तो ऑफकोर्स देर इज गोइंग टू बी अ पुल बैक। सिर्फ एक सिनेरियो है कि जिसके अंदर हमारे पास अगर मंडे को कैंडल ओपन होती है और वो स्ट्रेट अवे ऊपर जाके 100 सिंपल और 100 ईएमए जो है इन दोनों को टेकआउट करके ऊपर क्लोज हो जाती है, उस सूरत के अंदर वी कैन से कि येस मार्केट में अभी जो पुल बैक है उसमें भी थोड़ा टाइम है, देन वी कैन से कि मे बी फ्रॉम द 0.618 एरिया एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज उसके बाद वहाँ से पुल बैक आ सकता है। सो दोनों सूरतों में पुल बैक आना है, सिर्फ सवाल सिर्फ ये है कि कहाँ से आएगा, 0.382 से 0.236 की तरफ आएगा या 0.618 से 0.382 इस तरफ की तरफ आएगा। तो दोनों सूरतों में मैंने आपको बता दिया कि आवरली टाइम फ्रेम में अगर आपके पास ये एरिया ब्रेक हो जाता है समवेयर अराउंड 42,486, देन वी कैन फर्दर एक्सपेक्ट कि हमारे पास जो टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास फर्दर ऊपर की तरफ मूव आएगा, जो कि प्रॉबेबली दिस कुड बी द एरिया जो कि 42,956 लेवल है, और ये वही एरिया है जिसमें हमारे पास 42,900 लेवल जिसमें हमारे पास 100 सिंपल ब्रेक होती है। इस तरह वीकली में हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल का मूविंग एवरेज का जो एरिया है उसमें हमारे पास चांस मिल जाएगा कि हम थोड़ा सा 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर अपना हेड पीक कर सकते हैं। वीकली क्लोज में तो खैर बाय नेक्स्ट फ्राइडे वी विल नो कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, बट फॉर नाउ थिंग्स आर लुकिंग गुड। और जब भी एक सिनेरियो होता है जिसमें किसी भी किस्म का कोई पैटर्न हो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ है फ्रॉम ओवर हेयर, कि ये एक चैनल था ट्राइंगल थी, डिसेंडिंग ट्राइंगल थी समवॉट लाइक दिस, जिसमें हमारे पास जो ब्रेक डाउन हुआ है उसके ऊपर बाद हमारे पास जो दोबारा उसके अंदर अगर चैनल के अंदर हम दोबारा वापस जाते हैं, ठीक है, दिस वाज आर फेक आउट टू द अपसाइड एंड दिस वाज आर फेक आउट टू द डाउन साइड। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोबेबली समवेयर लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा एक ऑफिशियल ब्रेक डाउन एरिया था। अगर हम वापस इसके अंदर क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं, इस जो डिसेंडिंग ट्राइंगल थी उसकी जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास सपोर्ट थी जो कि ब्रेक डाउन करके प्राइस एक्शन नीचे आया, उसके ऊपर अगर हम दोबारा क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं, दैट इज़ समवेयर अराउंड द लेवल ऑफ 43,000 अप्रॉक्सीमेटली, 43,000 पॉइंट के ऊपर अगर वीकली मार्केट जो है वो कैंडल क्लोज करती है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बुलिश, क्योंकि जब भी कोई पैटर्न ब्रेक डाउन होता है और अपना टारगेट अचीव किए बगैर मार्केट वापस उस पैटर्न के अंदर वापस आती है, तो दैट इज़ टेक्निकली स्पीकिंग अ वेरी बुलिश पैटर्न या एक बहुत बुलिश रेजोल्यूशन की तरफ बात जाती है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मेन क्राइटेरिया कि अगर हम 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज करें या ना करें, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। द मेन जो मेन चीज़ होगी जो इस पर आपको नज़र रखनी है वो ये लेवल है 43,000 पॉइंट्स का वीकली बेसिस के ऊपर। अगर वीकली बेसिस में आपके पास क्लोज मिल जाता है अबव 43,000 पॉइंट्स, दैट इज़ गोइंग टू टर्न द मार्केट्स इनटू अगेन इनटू अ बुलिश पोजिशन। तो इसको याद रखिएगा, आवरली टाइम फ्रेम में भी वही लेवल है 42,486। इफ़ वी गेट टेक इफ़ दिस वन गेट्स टेकन आउट, तो डेली में आपको वही वाला मूव जो है 100 सिंपल मूविंग एवरेज वाला वो मिल सकता है, और उसके ऊपर एक दफ़ा क्लोज हो जाए डेली टाइम फ्रेम तो उसके बाद हमारे पास चांसेस जो है वो वीकली के ऊपर भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन 43,000 पॉइंट्स उसको जो आप जेन में ज़रूर रखिएगा, और वो आपके पास डेली टाइम फ्रेम में इस तरह से एक स्ट्रक्चर भी बनता है। दिस इज़ समवॉट अराउंड द स्ट्रक्चर, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यू कैन सी कि ये हमारे पास एक वो पॉइंट रहा है कि जहाँ पे हमारे पास प्रीवियसली जो स्पाइक हायर्स बने थे एट द वेरी स्टार्ट, ये वही एरिया जहाँ पे ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, और ब्रेकडाउन के बाद इसको रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड किया, और उसके बाद लोअर जो लोज थे और लोअर हाइज थे वो कंसिस्टेंटली बनते चले गए।
दिस इज़ गोइंग टू बी दैट एरिया 43,000 पॉइंट्स, इसलिए राउंड फिगर कह रहा हूँ है थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर, लेकिन उसको राउंड फिगर आप जो है वो जेन में रख सकते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम के 43,000 पॉइंट्स जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन लाइन इन द सेंड फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। उससे पहले जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है उसके लिए आप अकॉर्डिंगली जिस तरह मैंने आपको बताया यू कैन लुक फॉर दैट इन द मार्केट। अगर जो ब्रेक है वैसे वैसे होते चले जाते हैं द मार्केट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, और अगर हमारे पास पुल बैक है जो कि आना है, देखना सिर्फ यह है कि वो हमें 0.382 से नीचे मिलता है या हमें 0.618 से वापस नीचे की तरफ मिलता है। सो अगर यहाँ पे विदाउट मेकिंग ए लोकल हाई हम ऊपर की तरफ जाके क्लोज कर लेते हैं अबव द 100 सिंपल मूविंग एवरेज, देन दिस सिचुएशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स अलॉन्ग विद दिस वन, इन दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंस क्रिएट होने का जो ख़तरा है वो टल जाएगा और उसके बाद मार्केट जो है वो मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकेगी। उससे नीचे रहते हैं तो ऑफकोर्स डाइवर्जेंस जो है वो किसी भी टाइम जैसे ही लोकल हाई कन्फर्म होगा डाइवर्जेंस प्ले आउट हो जाएगी टू द डाउन साइड, तो उसके लिए वॉचफुल रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।